माय प्रोटीन की इंडिपेंडेंस डे सेल थी, जिसमें से मैंने 5 या 6 प्रोटीन ऑर्डर कर दिए थे। आज ये नया पैक भी डिलीवर हुआ है। अगर जैसे आपका वर्कआउट वगैरह हो गया तो आप यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर चिल कर सकते हो। अभी हमें बता रहे थे इसको 110 बुखार हो गया हुआ है। थर्मामीटर लगा ले नीचे से। लड़ाई करके ले लो। दे मैं ये ले लेता हूं ना थोड़ा। चल ले भाई, उसको भी निकल यार, सब मैं ले लेता हूं ना। अरे यार तल तल थोड़ी है तो दस जाएंगे, गाड़ी टूट जाएगी तेरी है। वेलकम बैक गाइस फ्रॉम द व्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया और सब मजे कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो अभी जैसा आपने देखा, अपना वेट मेजर कर लिया हुआ है और आज अपना वेट आया हुआ है 78.3 kg। मतलब कि एक महीने पहले जब शुरू किया था तो था मेरा 83 kg। 5 वीक्स हो चुके हैं कट में, तो आराम आराम से कर रहे हैं। तो गोल है, अभी भी गोल वही है, 74 kg तक जाने का, जिसमें प्रॉपर विजिबल आप दिखें। बट दिक्कत एक यही आ रही है कि कॉलेज बहुत रेगुलर चल रहा है, तो मतलब मंडे टू फ्राइडे कॉलेज आना पड़ता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है डाइट मैनेज करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। और साथ ही में अगर तुम 9 बजे कॉलेज आओ और 6 बजे वापस आओ ना, तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, तो इस वजह से जिम में 100% देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट तुम्हारा भाई है, जितना हो सक रहा है ना 100% देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और जितना दिया जा रहा है कर रहे हैं। और यही है कि लंच के लिए कुछ मील अपने लिए पैक करके ले जाओ, या फिर बाहर से, क्यों बट बाहर से खाना बढ़ जाता है, मतलब जितना भी तुम रजिस्टर कर लो बाहर से खा लोगे क्योंकि पूरा दिन बाहर होते हो। बट ये है कि अगर बाहर से कुछ खा रहे हो तो सोच समझ के खाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चिकन राइस अगर कहीं शॉप से मिल जाते हैं तो मैं चिकन राइस खाने की कोशिश करता हूँ। बाहर कॉलेज वगैरह जाते हो तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल डाइटिंग करनी पड़ेगी। फ्लेक्सिबल डाइटिंग के नाम पर ये नहीं कि मैगी खाना शुरू हो जाओ, चॉकलेट खाना शुरू हो जाओ लाइक द लॉर्ड, वैसा मत करो। नॉर्मली थोड़ा थोड़ा कुछ आराम आराम से, नॉर्मली कुछ ऐसी मील्स देखो जो बाहर तुम्हें तुम्हारी रिक्वायरमेंट, तुम्हारी डेली कैलोरीज पूरा करने में हेल्प करती है, तो वैसी चीज़ें खाओ। सो अभी माय प्रोटीन की इंडिपेंडेंस डे सेल थी, जिसमें से मैंने 5 या 6 प्रोटीन ऑर्डर कर दिए थे। नहीं, मैं ज़्यादा अमीर नहीं हुआ, सारे मेरे अकेले के नहीं थे, मेरे दोस्तों के भी थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके प्रोटीन अभी डिलीवर नहीं हुए हैं और डिस्पैच भी नहीं हुआ है आई गेस, तो थोड़ा सा लेट हो चुका है उनका। बट मेरा ये प्रोटीन आ चुका है, ये इम्पैक्ट भी प्रोटीन सॉल्टेड कैरामल फ्लेवर, तो काफ़ी ठीक रेट पे मिल गया, काफ़ी सस्ते मिल गए, और माय प्रोटीन की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इसके साथ में आज ये नया पैक भी डिलीवर हुआ है, तो इसमें मुझे मिले है ये, तो उसमें मुझे मिला है ये पानी की गैलन, और साथ में ये शुगर फ्री सॉस, और ये मेटल शेकर। तो ये मुझे मेटल शेकर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पसंद था, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था, तो काफ़ी देर से लेने का मन था। बट एक्चुअली अगर ये फ्री में नहीं मिले तो इसका ओरिजिनल प्राइस है अराउंड 1400, जो काफ़ी महंगा है फॉर शेकर, तो उससे बेटर है किसी सप्लीमेंट में इन्वेस्ट कर दो। तो इसीलिए अभी इसमें मिला तो काफ़ी खुशी हो रही है। सो इसी के साथ अब मैं खाने वाला हूँ अपने ये चिल्ड ओट्स। तो जैसा आपने देखा, अब मैंने जस्ट फ्रिज से अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, तो मैंने आधे घंटे पहले इनको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये आराम से ऐसे ठंडे से चिल्ड से हो जाए, क्योंकि मुझे एज़ कम्पेयर टू जो गर्म वाले ओट्स होते हैं, मुझे ठंडे ओट्स ज़्यादा पसंद है। इससे क्या होता है, एक थोड़ा अच्छा फ्लेवर ज़्यादा आता है और ज़्यादा मज़ा आता है खाने का, तो इसीलिए ये खाएँगे। एंड इसके बाद, और आज मेरे जिम में है चेस्ट और बैक का वर्कआउट, जो मैंने काफ़ी देर के बाद, नहीं एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं चेस्ट और बैक ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा बड़ी देर से मन था कि कुछ ऐसे रूटीन चेंज करूँ, तो आज मैं करूँगा चेस्ट और बैक जिसके होंगे सुपर सेट्स, तो इसीलिए स्टे ट्यून्ड। क्योंकि चेस्ट और बैक दोनों करो तो काफ़ी हैवी वर्कआउट होता है, इसलिए आज का वर्कआउट ज़्यादा हैवी नहीं करूँगा, तो मॉडरेट वेट के साथ, अच्छी फॉर्म के साथ, एक 8 से 12 के रेट रेंज में होगा सारे, तो लेट्स सी कैसा जाता है। Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have
have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Yeah, what the hell? So what the hell? फाइनली डन विद माई वर्कआउट और अभी मैं अपना ये प्रोटीन शेक पी रहा हूँ. और आज का वर्कआउट काफ़ी अच्छा रहा था क्योंकि काफ़ी देर के बाद मैंने अपना कुछ रूटीन चेंज किया और काफ़ी देर के बाद कुछ नया ट्राई किया, चेस्ट और बैक के सुपर सेट. तो बहुत ही एक इंटेंस वर्कआउट था. बेसिकली थोड़े वीडियोज देने की वजह से बीच में थोड़ी सी ब्रेक्स आ रही थी, बट जिनकी ज़रूरत भी थी क्योंकि वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था. और साथ ही में ना ये जिम का रेस्ट रूम है, अगर जैसे आपका वर्कआउट वगैरह हो गया तो आप यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर चिल कर सकते हो. एक तो काफ़ी देर के बाद प्रोटीन का फ्लेवर चेंज किया हुआ है, तो प्रोटीन है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, सॉल्टेड कैरमल फ्लेवर है. मतलब कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बट स्टिल बहुत टेस्टी फ्लेवर है. अगर नेक्स्ट टाइम अगर माई प्रोटीन से कुछ ऑर्डर करोगे तो डेफिनेटली ये वाला फ्लेवर करना, वेरी टेस्टी. और आई डोंट नो व्हाई लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग प्रोटीन शेक को एक ही बारी में पूरा का पूरा पी जाते हैं. मतलब एक ही घूट में लोग पूरा का पूरा प्रोटीन शेक पी जाते हैं. बट ये फ्लेवर इतना टेस्टी है, मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूँ, बट ये फ्लेवर इतना टेस्टी है ना, मतलब इसको मैं जितना स्लो हो सके उतना स्लो पी रहा हूँ. मतलब मैं पूरा, मतलब कितना, दो हफ्तों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, दो हफ्तों से ना मैं जब भी ये पी रहा हूँ प्रॉपरली इसको इन्जॉय करके ऐसे अच्छे से टेस्ट करके फील करके पी रहा हूँ. वाओ, अभी शायद आस्ती का कॉल आया मुझे, तो आस्ती के साथ अभी कहीं बाहर जाने का प्लान बनेगा. अभी चल वगैरह भी आ रहे होंगे तो लेट्स गो. Brothers.
आस्तिक भाई को मेरे बुखार हो गया आज। कितना भी? 105 मुझे क्या पता कितना भी। हाँ अभी हमें बता रहे थे इसको 110 बुखार हो गया हुआ है। थर्मामीटर कहाँ है नीचे से? थर्मामीटर कहाँ रखा हुआ है? इसको उड़ा लो, इसको उड़ा, देख कहाँ पे खड़ा हुआ है किलो करना था। हाँ आधे घंटे तक आ जाने भैया। ठीक चल भाई मैं यहाँ पे जो बॉइल्ड चिकन खाता है उसके लिए वो ब्लॉग बना रहा है। लाइट बंद कर दिया है, दिख रहा है, दिख रहा है ना पूरा। मेरे को भी ले आया। हाँ भाई ले आया, बोल। मैं आ रहा हूँ। हाँ हेलो। अरे उसने स्क्वाट मारा था हैवी, निकर फट गई बेचारे। 2 किलो में फट गया था। फट गया था। 100 में भी नहीं, मेरे ख्याल से पहले वार्म अप भी फट गया था बेचारा। फट गया क्या था? बॉक्सर निकर है। कनेक्ट मेरे लिए ले लिया हुआ है, बॉइल्ड चिकन का ऑर्डर दे दिया हुआ है। अभी जा रहे हैं हम पंजाबी ब्रदर्स, तो वहाँ पे ये लोग अपना तंदूरी खाने वाले हैं। तो अभी मैं बड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे आ गया हूँ, तो मैं सिर्फ बॉइल ही खा रहा हूँ आजकल, मतलब मोस्टली बॉइल खा रहा हूँ। देखते रहो, जल्दी जल्दी अच्छी बॉडी बनाएंगे। अभी जल का है ही नहीं बॉडी बनाने में इंटरेस्ट। किस में? बॉडी में। बॉडी किसकी? क्या किसकी? किसकी बॉडी में इंटरेस्ट है? ये क्या बात है? तूने बोला बॉडी में इंटरेस्ट है। भाई पंजाबी ब्रदर्स हमारा फेवरेट अड्डा। ये पाकिस्तानी सपोर्टर है भाई। ये इसकी टीम हारने वाली है कल। It was at this moment that he knew he fucked up. लड़ाई करके ले लो, अभी मेरे काम में। बोला तेरा ज्यादा है, उसका ज्यादा है। टीपी दे यार, क्या हो जाएगा यार, मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा, सही बात है। उसका देख खुश रह यार, तू रोया नहीं। अब मैं खुश हूं। आज वाले तेरा मुंह से आवाज सारे पैसे देते ही नहीं करता। देख डाल बूढ़े आने के ना भाई। आज गाड़ी ठोकनी है भाई। गाड़ी तो नहीं ठोकती भाई यार, ये रॉन्ग साइड से क्यों लेके जा रहे हो? कहाँ रॉन्ग साइड है? चल अब रॉन्ग साइड है। यहाँ से क्यों रॉन्ग साइड कहाँ है? तू तो राइट साइड ही मुड़ेगा ना। तेरे नाल राइट, राइट टाइम राइट, तेरे नाल नाइट टाइम राइट टाइम यार। वहीं से चलते हैं यार, जो तू पता नहीं कहाँ से लेके आ रहा है। मैं थोड़ी तू ही लेके आया, तूने गाड़ी मोड़ दी। मैंने कहा भाई कितना कुछ थोड़ी रहता है। अबे कहाँ निकालूंगा, उधर तो अंदर बाहर ना होना। चल तेरे होने से कुछ नहीं होता, अपनी साइड रखना और अंदर बाहर मां। अबे खड्डे यार, तल तल थोड़ी है तो धस जाएंगे, गाड़ी टूट जाएगी तेरी है। गई 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 आज गाड़ी गई। जतिन ने कराया, मैंने कुछ नहीं करा। फुद्दू है भाई, गफा चल रहा है किसी से। किसी कैसे हम बोलेंगे, तुम कैसे आ रहे हो बीच में? अपने कंटेंट के लिए ना बड़ा कुछ करा देता है। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मेरे को लगा बाहर निकले वहां से रास्ता। मैं साले क्या बोल रहे हो, गफ्फा क्या है? टॉक्सिक हूँ भाई। अरे दोस्ती में सब नहीं चलता है। अपने पोस्ट वर्कआउट मील में यहाँ पे खाने वाला हूँ। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल।
ये है आज के लिए मेरी 3 रोटी, इसमें थोड़ा सा घी लगाया हुआ है, साथ ही में ये क्या नाम है खीरा, साथ ही में राजमा, और उसी के साथ में 250 ग्राम बॉयल चिकन, और जो मैं खाऊंगा इस सॉस के साथ। नहीं है कि बॉयल चिकन ही खाना है, आप कोई भी चिकन खा सकते हो। मैं बॉयल्ड इसीलिए खा रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंडसेट के लिए, क्योंकि मैं पता नहीं, मुझे ऐसा होता कि मैं अगर टेस्ट वाला खाऊंगा ना तो वो होता है ना शेर के मुंह को खून लग जाए एक मेरी टेस्ट का, तो वो मुझे फिर वो टेस्टी टेस्टी खाना होता है। तो अपना अपना हिसाब है। अभी मैं ये मील खाऊंगा और मिलूंगा आपको थोड़ी देर में। तो भाई अभी मैंने सोचा कि मैं घर के बाहर जाऊं वॉक करने, बट एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा कि छत पे आ जाऊं, छत पे ही वॉक करूं। एंड मैं सोच रहा अपनी वीडियोस में कुछ चैलेंजेस वगैरह शुरू करूं, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वगैरह होते रहेंगे, बट मेरा कोई चैलेंज करने का काफ़ी मन है कोई बढ़िया सा। तो इसीलिए अगर आपके दिमाग में कोई भी बढ़िया सा चैलेंज है ना, तो वो बताओ, कि कुछ भी चैलेंज हो बढ़िया सा, मतलब मज़ा आ जाए, जो करने में मज़ा आए और वीडियो बनाने में मज़ा आए, तो बताना कॉमेंट बॉक्स में, ताकि नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग बने। आई होप आपको पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज जतिमान साइनिंग ऑफ। जय हिंद।